हेलो एवरीवन, दिस इज़ अनिल के शर्मा एंड वेलकम बैक टू ओरेकल टेक इंडिया। और आज इस वीडियो लेक्चर में कुछ डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस से संबंधित चीज़ों को समझेंगे और फोकस करेंगे कैटलॉग मैनेजमेंट के ऊपर कि डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम में कैटलॉग मैनेजमेंट क्या है। सम स्पेशल टास्क इन डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम। तो डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम में कुछ स्पेशल टास्क होते हैं जिसको ध्यान देने की ज़रूरत होती है। तो पहला जो टास्क है वो है कीपिंग ट्रैक ऑफ डेटा। तो कीपिंग ट्रैक ऑफ डेटा में क्या होता है वो देखते हैं। तो सिंस इन डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस डेटा इज डिस्पर्स्ड इन डिफरेंट साइट, यू हैव टू नो विच डेटा एलिमेंट्स रिसाइड्स एट विच साइट। तो क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस में डेटा की पार्टिशनिंग की जाती है और डेटा की पार्टिशनिंग करके डिफरेंट डिफरेंट साइट्स पे उसको स्टोर कर दिया जाता है, इसलिए आपको पता होना चाहिए कि कौन सा पार्टीशन या कौन सा डेटा एलिमेंट्स किस साइट पे पड़ा हुआ है। तो ये तो था कीपिंग ट्रैक ऑफ डेटा। अब जो है दूसरा टास्क है वो देखते हैं, वो है डिस्ट्रीब्यूटेड क्वेरी प्रोसेसिंग। तो डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम में जब क्वेरी रन करती है और जो है किसी एक साइट से इंफॉर्मेशन को फेच करनी है तो वो क्वेरी सीधे उस साइट पे जाती है, वो सिंगल क्वेरी रन होकर के सीधे उस साइट से इंफॉर्मेशन फेच करके यूजर्स को प्रोवाइड कर देती है। बट अगर यूजर्स ने कोई क्वेरी फायर की है और उस क्वेरी में उसको इंफॉर्मेशन फेच करके लाना है साइट वन से, साइट टू से और साइट थ्री से, तो उस केस में क्या होता है कि यूजर ने जो क्वेरी फायर की है तो वो सिंगल क्वेरी जो है वो तीन सब पार्ट में डिवाइड हो जाती है। और पहला सब क्वेरी जो है वो पहले साइट पे रन करेगी, दूसरा सब क्वेरी जो है दूसरे साइट पे रन करेगी और तीसरा सब क्वेरी जो है तीसरे साइट पे रन हो करके तीनों साइट से एट द सेम टाइम डेटा को फेच करके यूजर्स को क्वेरी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देती है। नेक्स्ट टास्क जो है वो है डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रांजेक्शन मैनेजमेंट। तो डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रांजेक्शन मैनेजमेंट में क्या होता है कि मेक ट्रांजेक्शन इन सच दैट, कि ट्रांजेक्शन इस तरीके से होना चाहिए दैट कि इट कैन बी एग्जीक्यूटेड, ये एग्जीक्यूट हो सके एट डिफरेंट लोकेशन, अलग अलग लोकेशन पे साइमल्टेनियसली एक साथ। तो ट्रांजेक्शन जो है अलग अलग लोकेशन पे अलग अलग टुकड़ों में बट करके अलग अलग साइट पे रन हो करके हर साइट से जो है डेटा को फेच करके सबको कंबाइन करके फिर यूज़र के पास इंफॉर्मेशन उठ करके आनी चाहिए। नेक्स्ट टास्क जो है वो रेप्लिकेटेड डेटा मैनेजमेंट। तो रेप्लिकेटेड डेटा मैनेजमेंट में क्या होता है कि डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस के एनवायरनमेंट में डेटा की पार्टीशनिंग करके अलग अलग साइट्स पे डेटा को स्टोर किया जाता है और हर साइट्स पे एक दूसरे साइट के डेटा की एक डुप्लीकेट कॉपी भी रखी जाती है। अगर मैं किसी भी साइट के डेटा में या डेटाबेस में कोई चेंजेस करता हूँ तो बाकी के साइट्स पे जो वो डेटा या डेटाबेस पड़ा हुआ है उस डेटा या डेटाबेस में भी चेंजेस होना चाहिए। तो रिफ्लेक्शन ऑफ चेंजेस शुड बी मैनेज। तो एक साइट पे अगर एक डेटाबेस में मैंने कोई चेंजेस किया है तो वो चेंजेस बाकी साइट्स पे उस डेटाबेस का जो डुप्लीकेट डेटाबेस पड़ा हुआ है उसमें भी चेंजेस रिफ्लेक्ट होने चाहिए। नेक्स्ट टास्क जो है वो है डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा रिकवरी। तो डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस के एनवायरनमेंट में जो है क्या होता है कि लिंक फेलियर हो जाता है। लिंक फेलियर का मतलब कि
कि जिस लोकेशन पे पूरा का पूरा डेटाबेस सिस्टम का सेटअप बनाया गया है, तो उसमें वायर्स वगैरह जो लगे हुए हैं वो वायर्स कोलैप्स हो जाना, तो लिंक फेलियर हो जाता है, साइट फेलियर हो जाता है, किसी भी साइट पे पूरा का पूरा जो है सिस्टम क्रैश कर जाता है, तो उसको साइट फेलियर बोलते हैं। तो लिंक फेलियर और साइट फेलियर के केस में जो है, यू आर टू रिकवर बोथ फेलियर ग्रेसफुली। तो आपको उन दोनों फेलियर को रिकवर करना आना चाहिए, वो भी ग्रेसफुली आना चाहिए, अच्छे से आना चाहिए, विदाउट एनी डिफिकल्टी, बिना किसी प्रॉब्लम्स के। नेक्स्ट जो टास्क है वो है सिक्योरिटी टास्क। तो इसमें क्या है कि राइट पर्सन विद राइट एक्सेस शुड बी एबल टू एक्सेस द डेटा। तो डेटा को एक्सेस करने वाले जो यूजर है वो राइट पर्सन होने चाहिए और उसके पास राइट होने चाहिए डेटा को एक्सेस करने के लिए। नेक्स्ट हमारे पास है कैटलॉग मैनेजमेंट। तो कैटलॉग मैनेजमेंट ये एक इम्पॉर्टेंट जो है टास्क है। तो इसमें क्या होता है, इट इज़ ए डायरेक्ट्री, ये एक डायरेक्ट्री है वेयर वी स्टोर द मेटा डेटा, जहाँ पर हम मेटा डेटा को स्टोर करके रखते हैं। तो मेटा डेटा का मतलब है कि डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस में डेटा की पार्टिशनिंग वगैरह करके अलग अलग साइट्स पे स्टोर करके रखा जाता है। तो उसी डेटा से संबंधित जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है उसी को मेटा डेटा कहते हैं। तो उसको एक डायरेक्टरी में स्टोर करके रखा जाता है, तो उसी को कैटलॉग मैनेजमेंट कहते हैं। तो कैटलॉग जो है वो दो टाइप्स के होते हैं, एक को ग्लोबल कैटलॉग बोलते हैं और दूसरे को जो है लोकल कैटलॉग बोलते हैं। तो ग्लोबल कैटलॉग को समझते हैं कि ग्लोबल कैटलॉग क्या है। तो इट टेल्स व्हाट इज लोकेटेड एट P1। तो ग्लोबल कैटलॉग की डायरेक्टरी में या ग्लोबल कैटलॉग में जो है हम मेटा डेटा रखते हैं कि P1 के लोकेशन पे क्या लोकेटेड है, मतलब P1 पे कौन सी इंफॉर्मेशन रखी गई है। व्हाट इज लोकेटेड एट P2, P2 पे कौन सी इंफॉर्मेशन रखी गई है। व्हाट इज लोकेटेड एट P3, और P3 के साइट पे कौन सी इंफॉर्मेशन रखी गई है। और इसी तरीके से अगर और भी साइट्स है तो उन साइट्स पे भी कौन कौन सी इंफॉर्मेशन वगैरह रखी गई है, तो वो सारी इंफॉर्मेशन ग्लोबल कैटलॉग में रखी जाती है। तो इट कंटेन्स इंफॉर्मेशन अबाउट ऑल द डेटाबेस ऑफ ऑल साइट्स एंड हाउ दे आर स्टोर्ड। तो ग्लोबल कैटलॉग में अलग अलग साइट्स पे जितना भी डेटाबेस स्टोर करके रखा जाता है, उस डेटाबेस के रिगार्डिंग सारे इंफॉर्मेशन को ग्लोबल कैटलॉग में स्टोर करके रखते हैं। और जो है उन इंफॉर्मेशन को कैसे यूज किया जाना है वो सारा डिस्क्रिप्शन भी ग्लोबल कैटलॉग में होता है। तो ग्लोबल कैटलॉग का मतलब ये है कि डेटाबेस सिस्टम में जितने भी साइट्स होंगे, डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस के एनवायरनमेंट में जितने भी साइट्स होंगे और हर साइट्स पे डेटाबेस सिस्टम जो है उसका सेटअप बना हुआ होगा, तो ग्लोबल कैटलॉग में जो है हर साइट्स पे हर डेटाबेस सिस्टम के सेटअप का पूरा इंफॉर्मेशन ग्लोबल कैटलॉग में रखा जाता है। और अगर लोकल कैटलॉग की बात करें तो लोकल कैटलॉग में क्या होता है कि पर्टिकुलर किसी एक साइट पे जो भी डेटाबेस स्टोर है तो उसी डेटाबेस के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखा जाता है लोकल कैटलॉग में। तो अलग अलग साइट के लिए अलग अलग डायरेक्टरी होती है और उन डायरेक्टरी में अलग अलग साइट के लिए अलग अलग इंफॉर्मेशन स्टोर करके रखी जाती है। और ग्लोबल कैटलॉग के केस में सारे जितने भी डेटाबेस की साइट है हर साइट की जो है सारे साइट्स की इंफॉर्मेशन को स्टोर करके ग्लोबल कैटलॉग में रखा जाता है। तो इट टेल्स हाउ द एलिमेंट्स आर लोकेटेड एट साइट 1। तो लोकल कैटलॉग से ये पता चलता है कि डेटाबेस की कौन कौन सी एलिमेंट्स और कैसे करके साइट 1 पे स्टोर करके रखा गया है।
एंड हाउ दे आर रिलेटेड टू इच अदर, और उनके इंफॉर्मेशन वगैरह कैसे आपस में एक दूसरे को रिलेट करते हैं, तो वो सारे इंफॉर्मेशन. इट कंटेन्स इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग डेटाबेस एट ए पर्टिकुलर साइट. तो एक पर्टिकुलर साइट पे, एक पर्टिकुलर साइट पे जो डेटाबेस स्टोर करके रखा हुआ है, तो उस डेटाबेस के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन को जो है लोकल कैटलॉग में रखा जाता है. तो डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम का ये थर्ड वीडियो लेक्चर यहीं पे फिनिश होता है. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.